अगर ईमानदार एक प्राणी को भी लेना है तो उसका कान पकड़ के ऐसा ऊपर उठाते हैं। ऊपर उठाने के बाद अगर वो भोगता है तो ठीक है, अगर कुई कुई करता है तो ठीक नहीं, कोई लेता नहीं उसको। तो आप भी सिलेक्शन करते वक्त जो भोगता है, जो लड़ता है, जो आपके साथ रहता है उसको ले लो। बयान था कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, जिसमें वे हाल ही में अपने एक संबोधन में साफ तौर पर कहते नजर आ रहे थे कि बूथ मैनेजमेंट पर कार्यकर्ताओं को इस तरीके से सक्रिय रहना चाहिए जैसे कि एक कुत्ता नींद में रहकर भी हल्की सी आवाज सुनकर एकदम से भौंचक्का हो जाता है, और जो सुनने और सूंघने की क्षमता एक कुत्ते की होती है उसी प्रकार से बूथ मैनेजमेंट पर पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहना है जो लोकसभा चुनावों और तमाम राज्यों के विधानसभा चुनावों में पार्टी के लिए बेहद ही अहम भूमिका निभाते नजर आने वाले हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को अब इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि वे अपने पार्टी से, वे अपनी पार्टी के तमाम जिम्मेदारियों से इस कदर परेशान हो चुके हैं कि अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुत्ता कहकर के संबोधित कर रही है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का साफ तौर पर मतलब यह था कि अब तमाम जो चुनाव आने वाले हैं, और चुनाव ही नहीं बल्कि हर वक्त यहां पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को यहां पर एक लेवल से पूरी तरीके से सक्रिय रहने की जरूरत, और खास तौर पर बूथ मैनेजमेंट पे। दरअसल आपको बता दें कि एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों के, राजनीतिक पार्टियों के लिए बूथ मैनेजमेंट शब्द का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब पार्टी का आधार यानी कि बिल्कुल निचले स्तर पर जो कार्यकर्ता होते हैं वो यहाँ पर बूथ मैनेजमेंट, जनता से जुड़ते हैं, घर घर जाकर तमाम क्षेत्रों में जनता से पहचान पार्टी की बनाते हैं, कार्यकर्ताओं से अवगत यहाँ कराते हैं, अपने जो उम्मीदवार तमाम यहाँ स्तरों पर होते हैं वे उम्मीदवार यहां पर अवगत होते हैं जनता से, और बूथ मैनेजमेंट की ये सारी जिम्मेदारी होती है जो सीधे यहां पर चुनावी परिणामों पर असर डालती है। और इसका खेल इस तरह से होता है कि जब बूथ मैनेजमेंट पर सक्रिय पार्टी के तमाम कार्यकर्ता रहते हैं तो वे अपने उम्मीदवारों को यहां जनता से मिलवाते हैं, और वे उम्मीदवार जब अपने जनता से यहाँ रूबरू होते हैं क्षेत्र में तो उन्हें यहाँ भारी संख्या में मत प्राप्त होता है मतदान के दौरान, और फिर जाकर भी चुनावों में जीतते हैं जिसका प्रभाव यहाँ पर सरकारें बनने और सरकारें बिगड़ने पर साफ तौर पर देखा जाता है। इसीलिए बूथ मैनेजमेंट को एक प्रकार से राजनीतिक दलों के लिए चुनावों में जड़ों की तरह माना जाता है, और इसी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे साफ तौर पर यह कह रहे थे कि इस कदर यहाँ पर पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को सक्रिय होना है, लेकिन उनके इस बयान को इस तरीके से निकाला जा रहा है। और क्या कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संबोधन के दौरान कहा, जरा सुनिए इस वीडियो में। आप बूथ एजेंट जो बनाते हैं वो क्या बीएल अपना जब बनाते हैं वो भी जरा सोच के बनाओ। बहुत से लोग इलेक्शन पे गायब हो जाते हैं। भाई एक हमारे पास कहावत है, जब आप बाजार में जाते हो तब अच्छा एक आधा कुत्ता खरीदना है या किसी प्राणी को लेना है, किसी जानवर को लेना है, तो लोग जानवर के बाजार में जाके सब छानबीन करते हैं। अगर ईमानदार एक प्राणी को भी लेना है तो उसका कान पकड़ के ऐसा ऊपर उठाते हैं। ऊपर उठाने के बाद अगर वो भोगता है तो ठीक है, अगर कुई कुई करता है तो ठीक नहीं, कोई लेता नहीं उसको। तो आप भी सिलेक्शन करते वक्त जो भोगता है, जो लड़ता है, जो आपके साथ रहता है उसको ले लो, उसको बूथ लेवल कमेटी का एजेंट बनाओ। और जब बूथ में कोई बैठता है ऐसे आदमी को बिठाओ, वो सुबह अगर 7 बजे जाता है तो जब वहाँ आपकी पेटी बंद होती है उसी वक्त साइन करके बाहर आना चाहिए, नहीं तो जान लीला मैदान में जो इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में
ये जो सभा आयोजन किया गया है, तो मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ताओं को मेरा धन्यवाद है। आज पिछले 21 दिन से सामाजिक न्याय के संपल के साथ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। इसमें वो न्याय मांग रहे हैं युवाओं के लिए, न्याय मांग रहे हैं श्रमिक के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए और हिस्सेदारी के न्याय को, पांच न्याय को लेके निकले हैं। और इतने कठिन परिस्थिति में, इतना सर्दी है और खासकर उस सर्दी इलाके में उन्होंने अपनी ये यात्रा निकाली है, इसीलिए हम तमाम लोगों के तरफ से उनको हम अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि पार्टी के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाया। शायद ही कोई नेता आज तक, या कांग्रेस में हो या किसी पार्टी में हो, ऐसा कदम नहीं उठाया जो राहुल गांधी ने उठाया। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और अब मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक वो जो चल रहे हैं, ये किनके लिए? ये सामान्य जनता के लिए, युवाओं के लिए, जो इस बीजेपी सरकार में अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा, हर कांग्रेस मैन में, हर कांग्रेस के लोगों में ये जोश आना चाहिए, ये लड़ाई सिर्फ किसी के लिए नहीं है, ये लड़ाई है देश के डेमोक्रेसी को बचाने का, देश के लोकतंत्र को बचाने का, देश के संविधान को बचाने का ये लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में अगर आप फेल हो गए, तो परमानेंटली समझो आप मोदी के गुलाम हो जाएंगे। अगर इस बीजेपी से अगर आप डट के मुकाबला नहीं करेंगे, तो आगे आने वाले दिन हमारे नौजवानों को, महिलाओं को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को, ओबीसी को, कर्मचारियों को, इन सब को तकलीफ होगी। अभी तकलीफ हो रही है, लेकिन और भी तकलीफ होगी कि ये फिर इस देश के जनता को मोदी जी गुलामी में डालेंगे। ये इनका इरादा है, हमेशा यही बात करते हैं। और कोई भी इस देश में इतने सब स्कूल्स बने, कॉलेज बने, वो हमेशा ये कहते हैं कि ये मैंने स्कूल इतने बनाया, मैंने कॉलेज इतने बनाया, मैंने रेल के डिब्बे इतने बनाया, रास्ता इतने बनाया, पोर्ट इतने बनाया, सब बोलते हैं। अरे बाबा, ये सब कुछ अभी हुआ है, 10 साल में ही हुआ है। आपकी जो गारंटी कहाँ है? अब तो मोदी की गारंटी बोल के हर पेपर में आता है, देखे नहीं? उनकी गारंटी क्या है मालूम? उनकी गारंटी ये है, जो
जो 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वायदा था, 20 करोड़ नौकरियां देनी थी, वो कहाँ है गारंटी? तो ये नहीं देना यही गारंटी है। और उन्होंने कहा मैं ये कांग्रेस वाले देश लूट दिए, काला धन बाहर है, मैं पूरा लाके एक एक को 15-15 लाख दूंगा। ये कहा या नहीं कहा? दिया नहीं दिया? फिर ये झूठ है क्या सच है? तो झूठ कौन हो गए? फिर हम उनको झूठों का सरदार बोलना और क्या बोलना चाहिए? अरे एक आदमी प्रधानमंत्री इस देश के युवकों को धोखा देता है, इस देश के किसानों को धोखा देता है, महिलाओं को धोखा देता है। उनको कहता था मेरी माँ बहने चूल्हे के सामने बैठते हैं तो उनके आंखों से पानी निकलता है। ये देखकर मुझे बड़ी हैरान हो गई, इसीलिए मैं मुफ्त सिलेंडर दूंगा। सिलेंडर की कीमत तो हमारे टाइम में, हमारे वक्त कितना था? 450 रुपए था। अब कितना है? तो ये जनता की भलाई की है क्या जनता की बुराई की है, आप ही सोचिए। ये गारंटी है उनकी, ये गारंटी है। इसलिए आप उस गारंटी को मत देखो, देखो कांग्रेस की गारंटी को। हमने ये कहा कि आपको पेट भर खाना देंगे, इसीलिए सोनिया गांधी जी ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया और करोड़ों गरीबों को उन्होंने मुफ्त में चावल दिया। उस वक्त सिर्फ 3 रुपए थे, लेकिन हमने उसको कम करते आए हर जगह अलग अलग ढंग से। लेकिन आज 80 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त दे रहा हूं। अरे कहां से दे रहा भाई? कानून तो हम बनाए, सोनिया गांधी जी ने बनाई, और उनके जमाने से ये चावल देना शुरू हो गया। कोविड में तुमने थोड़ा 5 किलो बढ़ाया और उसी की बात करते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं, ये हमेशा झूठ बोलते हैं और झूठ बोल बोल कर लोगों को ऐसा भ्रमित किए हैं कि हर चीज को सच समझ रहे हैं। आज एम्प्लॉयमेंट की यह स्थिति है, एम्प्लॉयमेंट घट रही है। सरकार में 30 लाख वैकेंसीज है, रेलवे में है, पोस्ट ऑफिस में है, केंद्रीय विद्यालय में है और स्कूलों में है, एडेड इंस्टीट्यूशन में है। अगर आप पूरे देश का हिसाब लेंगे तो कांग्रेस, अब पूरे लोग देखेंगे कि कांग्रेस ने जो पब्लिक सेक्टर भी बनाई, इसका पूरा अगर आप हिसाब लेंगे तो कम से कम 30 लाख सरकारी नौकरी खाली है। मोदी साहब ये क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि अगर परमिशन दिए तो उन जगहों पे SC ST के लोग आएंगे, रिजर्वेशन भरेगा, बैकवर्ड के लोग आएंगे भरेंगे, गरीब लोग आएंगे नौकरियों में जाएंगे। तो उन्होंने यही किया, ये बंद करके गरीबों को पेट भी नहीं भरना, वैसा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में डेली वेजेस में ये कर रहे हैं। तो और ये गरीबों की भलाई, सबका साथ क्या है? वो सबका साथ सबका विकास। अरे वो जान दो भाई, सबका साथ सबका विकास, लेकिन मोदी ने कर दिया सबका सत्यानाश।
और यह हमको सिखा था। अरे हमारे नेताओं ने तो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तो इतने बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बनाए, डैम्स बनाए, और इन डैम के वजह से हमारा इरिगेशन बढ़ा, अन्नदान बढ़े, और पब्लिक सेक्टर से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, एम्स, इंजीनियरिंग, ये सब इंस्टीट्यूशन खोले। कौन खोले? हमने खोला। और इनो मोदी जी आने के बाद ऐसा कोई भी बड़ा काम नहीं हुआ। बताओ कौन सा बड़ा डैम इन्होंने बनाया, बताओ कौन सा ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनाए। हाँ, एक काम उन्होंने बहुत अच्छा किया, वो काम है देश के जनता को बांटो और राज करो, ये वो कर रहे हैं। और इसलिए हमारे युवक, आप होशियार रहना चाहिए, ये देश का मामला है। देश के सत्ता में अगर ऐसे लोग बैठेंगे तो देश बर्बाद होगा, हमारे युवक बर्बाद होंगे और हम बड़े तकलीफ में गिरेंगे। तो इसलिए भाइयों, आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दिल्ली भी अगर जो बड़ी है, जो आज सड़कें देख रहे हैं, आज फ्लाईओवर देख रहे हैं, स्टेडियम देख रहे हैं, ये किसकी देन है? कांग्रेस। अगर शीला दीक्षित जी ये स्टेप्स अगर नहीं लेते, सोनिया गांधी सपोर्ट करके ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर शीला दीक्षित के ओर से बनाया नहीं जाता, तुम्हारा क्या है? कोई लोग जो कहने दो सत्ता में बैठे सो लोग और दूसरे लोग, उनका क्या देन है? सिर्फ सबका देन यही है कि देश में लोगों को बांट देगा। कुछ नहीं मिला हिंदू मुस्लिम, कुछ नहीं मिला, ये भगवान के खिलाफ है कांग्रेस वाले। अरे भगवान के खिलाफ हम क्यों है? हर एक के घर में पूजा होती है, घंटी बजती है, सब लोग अपने अपने घर में पूजा करते। तुम्हारे जैसे वोट के लिए आप करते हो, हम अपनी आत्मा के शांति के लिए करते हैं। आप लोग दिखाने के लिए करते हो, लेकिन हमारे लोग आध्यात्मिक होके वो काम करते हैं। तो भाइयों, ये जो इनका ये सरकार है, एक बात मैं बताऊंगा कि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं, रोज एवरेज 3 बलात्कार यहां होते हैं। 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 14,158 घटनाएं हुई, ये महानगरों में। और कोई पूछने वाला ही नहीं, एक जमाना था कांग्रेस का, अगर छोटी सी भी कोई गलती होती तो लोग रोज आके सड़कों पे बैठते थे, भजन करते रहते थे, रात भर वो क्या है अपना मोमबत्ती लेके फिरते थे। भाई कहाँ है अब मोमबत्तियां? दिख रहे नहीं, कहीं भजन दिख रहा नहीं। भाई लोगों को भूखे रख के आप भजन नहीं कर सकते, इसीलिए लोगों को खिलाना है। हमने यही फूड सिक्योरिटी आके खिलाया, देहात के लोगों को मनरेगा दिया, ऐसा कोई काम बीजेपी ने किया है? 100 मनरेगा प्रोग्राम को पैसे इन्होंने घटाया, और वो कहे कि जब जरूरत पड़ती है तब हम देते जाएंगे।
अरे भाई बजट में ही अगर ज्यादा पैसा नहीं है, आप देवर देहात के लोगों को 100 दिन की गारंटी थी नौकरी देने की, काम करने, आप कितना दे रहे हो? 19 दिन। ये मोदी सरकार का मॉडल है, ये मोदी जी का गरीबी के बारे में सोचना है, इसीलिए इसको ध्यान में रखिए। अब भूलिए आपके छोटे मोटे कुछ भी डिफरेंसेस है, ये देश के लिए लड़ना है और एक बार फिर एक बार हमको आजादी लाना है, बोलने की आजादी लाना है, लिखने की आजादी लाना है, मीटिंग करने की आजादी होना है, सबके साथ मिलके एक बंधु प्रेम के साथ रहना है इसकी। लेकिन मोदी जी के जमाने में कोई अच्छा बात करता है उसको सीधा FIR होती है, कोई कांग्रेस पार्टी के लोग अच्छी बात करते हैं, अन्याय के विरुद्ध लड़ते हैं तो रोज FIR होती है। और उसके अलावा अब आजकल ED, इनकम टैक्स, ये सब तैयार है, पहले थे, पहले कोई सुना इसका ऐसा? ये इसलिए कि देश के लोगों को डरा डरा कर, अपोजिशन को डरा डरा कर अंदर डाल के ये हुकूमत करना चाहते हैं। अब तक 411 MLA को इन्होंने 10 साल में या तो खरीदा या डरा के अंदर लिया, 411 लोग MPs, राज्यसभा मेंबर्स, वो जो अगर अपोजिशन पार्टी में है तो वो कलंकित हो जाते हैं। अगर उनके पास कोई बिजनेस है, कोई धंधा है, तो उसको बंद कैसा करवाना और बंद करके उसको तबाह और तंग कैसा करना, वो करके उस MP को, MLA को वो अपने साथ लेते हैं, लेकर अपनी हुकूमत बनाते। ऐसा ही पहले उन्होंने हुकूमत बनाया, मध्य प्रदेश में बनाया, मणिपुर में बनाया, उत्तराखंड में बनाया, कर्नाटक में बनाया, हर जगह बनाया। और बनाकर ये कहते हैं BJP उसूलों की पार्टी है। भाई क्या उसूल है आपके? जो आदमी आप हमारे पास करप्ट है ये कह के उसको जेल में डालते हो, वही आदमी फिर आपके पास आके BJP में शामिल होता है, वो क्लीन हो जाता है, क्योंकि वो शाह के पास, मोदी के पास एक बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन है, बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन। उस वो क्या करते हैं, इन कलंकित लोग बोलते ना, इनको एडमिट कर लेते हैं और शाह के वॉशिंग मशीन में डालते ही वो पूरा क्लीन हो जाते हैं, पूरे स्वच्छ हो जाते हैं। ये उसूल है। अरे भाई तुम जाओ जनता के पास जाके लड़ो, वो सब छोड़ के अपोजिशन को तोड़ना मोड़ना। अब देखिए झारखंड का क्या हुआ, हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कभी वहां के जो ट्राइबल MLA थे, कांग्रेस के MLA थे, RJD के MLA थे, वो टूटे नहीं, डट के रहे, फिर से वहां पर हुकूमत हमारी सब मिलके आई, मिलजुल के आई। तो ये काम करने वाले लोग बिहार में भी यही काम हुआ, बिहार में यही हुआ, वहां पर मिली जुली सरकार थी, उसमें से उन्होंने एक चीफ मिनिस्टर को खींच लिया, ये खींचने के बाद उन्होंने बहुत
समाजवादी इसके बारे में उसके बारे में बहुत बात करते थे, वो एकदम क्या हो गया, वो पलटू राम हो गए, पलटू कुमार हो गए। पलटू कुमार जाते ही फिर वो बीजेपी बोलने लगे और एक सरकार हमारी यहाँ आई। अरे कितने सरकार तुम्हारे आई, ऐसा हो रहा है। अगर किसी को पूछे बीजेपी के उसूल क्या है, बोले तो बीजेपी बोलेगी हम पानी हैं, पानी में जो रंग मिलाएंगे वो रंग हो जाएगा। पानी तेरा कैसा रंग है तो वो कहेंगे जो मिलाएंगे वो हो जाएगा। दूसरों के साथ ठीक रहते हो ये कहते हो, वही नीतीश जी को गालियां दिए, वही फिर अब नीतीश जी को गले लगा ले रहे। और मोदी जी की भी यही आदत है, वो बात नहीं करते, अंदर से सबको काट देते हैं। ये मुख में राम बगल में छुरी रख लेके निकलते हैं, सबको काटते फिरते हैं। तो भाइयों मैं यही कहूंगा, हम तो किसकी बुराई नहीं करते। राहुल गांधी जी ने यही बोला, हमने तो मोहब्बत की दुकान खोली है, कोई भी आ सकता है, ये लोग द्वेष की दुकान खोली है, हेट की दुकान खोली है। और हेट करना ये इनका काम है,